यू कैन मेक मनी। देखिए जी, इन्फ्लेशन रेट जब आपका बढ़ता है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अवल तो ये है कि आपकी मनी डिवैल्यूएशन, आपका जो रुपया है ये डॉलर के मुकाबले में नीचे चला जाता है। कोई भी काम करे, देखिए मैं आपको बताने का मकसद भी ये है कि मैं आपको गलत और सही के दरमियान में एक फर्क करना सिखा सकता। लेकिन अगर आप अपने पाकिस्तान के अपने एक्सचेंज, हमारा अपना इदारा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, आपके मुल्क का इदारा, यहाँ पे काम करेंगे, आपका पैसा मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। तो हमने एक स्टेप लिया मिलकर पीएमएक्स के साथ कि जी हम लोग डोर टू डोर जाएंगे। माल सेल और बाय करेंगे, जब खरीदो फरोख्त करेंगे, तो एक्सचेंज जो है वो पीछे से आपके नाम पे बेच भी रहा होगा और खरीद भी रहा होगा। आप ऑनलाइन कर रहे हैं, एक्सचेंज उसको फिजिकल कर रहा होगा, इतना सा फर्क है। लेकिन ये समझाने में कई साल लगे और लोगों को ये इंप्रेशन देने में कि यार ये चीज गैम्बलिंग नहीं है, ये तजारत है। वो तजारत नहीं, दुनिया में कहा गया है, नबी मुहम्मद ने फरमाया कि दुनिया में अगर चार हिस्से गिने जाए रिजक के, तो तीन हिस्से जो है वो तजारत में है रिजक, और एक हिस्सा काफी काम है। मतलब आप सिर्फ 8 लाख रुपया करके आप 100 आउंस पौने 300 तोले ट्रेड कर रहे हैं, और प्रॉफिट अगर ये 10 ज्यादा ऊपर जाता है तो जितना सुनहरे को 3 करोड़ लगा के हो रहे हैं, आपको 8 लाख लगा के हो रहे हैं। ये है द पावर ऑफ फ्यूचर्स मार्केट, ये है फाइनेंशियल डेरिवेटिव फोरकास्टिंग करते हैं, जिसे फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कहा जाती है, टेक्निकल लेवल्स कहा जाता है। तो है आपके फंड्स डायरेक्ट फंड मॉडल के जरिए बिल्कुल सेफ होते हैं, कोई भी बंदा ये प्रोडक्ट ये आपकी समझने के कितनी सेफ है जितनी आपकी अपनी चेन में सेफ है। ये कभी भी फंड जो है ये किसी आम बंदे की पहुंच में नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पहुंच, जो इन्वेस्ट करता है ये उसी के अंदर होते हैं। कुछ हमारी पब्लिक रिलीफ प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि हमने पैंडेमिक के अंदर अपने हीरोज को, जो पैरामेडिकल स्टाफ था, डॉक्टर्स थे, सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग थे, इनके जितने भी अकाउंट्स थे इनको 50% रिबेट दिया। इट वॉज अ वेरी हार्ड डिसीजन, बट हमने किया, करके दिखाया कि हमें अपने हीरोज के साथ स्कैम करना है, और उन सबको 50% रिबेट दिया हमने अकाउंट्स के ऊपर। हमने ये यंगस्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम शुरू किया हुआ, जिसके तहत ये सब कुछ ये सेशन वगैरह हो रहे हैं। गला मेरा काफ़ी ख़राब है, इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन को स्किप कर दी। हसन साहब ने बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी है, जैसे कि उन्होंने बताया है कि जॉब ब्रोकर हैं हमारे, और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग उनके साथ कोलैबोरेट करें, कॉर्डिनेशन में रहें। इट्स अ वेरी गुड लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यू, इससे पहले प्रेजेंटेशन और नहीं हो सकती थी। और थैंक यू सो मच फॉर द ऑर्गेनाइजर एंड यूनिटी फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ।